आ गए भैया आ गए। भाई वैसे इन दोनों की जोड़ी बाघ और बकरी की जोड़ी नहीं लगती? चुप। देखो 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 कैसे मुस्कुरा रही है। जारी, जारी। चलो इसकी बैंड बजा। अबे रुक। वेरी गुड कार। ओह थैंक यू। वैसे ये जो गई आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या? नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? अबे अगर गर्लफ्रेंड नहीं थी तो ऐसे पराई औरत को गाड़ी में घुमाते शर्म नहीं आती? भाई कंट्रोल। पराई भी नहीं है क्या? I mean, इतनी पराई भी नहीं है, एम्प्लॉय है। ओह अच्छा। अरे भाई एम्प्लॉय कह रहा है ठीक है ना, लेकिन वो लड़की मुझे बहुत पसंद है यार। What a wonderful girl. लगता है जिससे प्यार हो गया है। कंट्रोल। साइज नहीं देख रहे हो क्या? ओके सी यू। मैं इस आदमी को जान से मार दूंगा। कहां से लाओगे जान? पैसे हैं खरीदने के लिए? अबे यार मेरा मतलब है मैं इसका मर्डर कर दूंगा। तुम मारोगे इसे? देखो ये मर गया तो ठीक, अगर जान नहीं गई और ये तुम्हारे बारे में जान गया ना तो भाभी की जॉब गई समझो, और उसके बाद तो हम भूखे मरेंगे भाई। अबे यार मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ चंदू से बात करने के लिए। हाँ भाई कम ऑन, अब आएगा मजा। क्या? हाँ चंदू, वो मुझसे प्यार करता है? हाँ भाभी। अगर उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं क्या करूँगी? भाभी मेरे हिसाब से तो हाँ कर देना। अबे पप्पू। अच्छा पप्पू, लेकिन इस देश में दो दो शादियाँ अलाउड नहीं है यार। तो चंदू के अलाउड होती तो तुम कर लेती? नहीं, मैं सोचती समझती जांचती परखती उसके बाद हाँ करती। चंदू ठीक है नंदू, पर ये समस्या तो बहुत बड़ी है। हाँ भाभी इस समस्या का तो पेट भी बहुत बड़ा है। चंदू मैं पेट कम कर दूंगा, वादा। मैं बॉस की बात कर रही हूँ। लेकिन बॉस का पेट तो बड़ा नहीं है। मैं प्रपोजल की बात कर रही हूँ। चंदू तुम ना वो जॉब छोड़ दो। अच्छा फिर तुम दोनों को खिला खिला के पालेगा कौन? भाभी मुझे लगता है भाई की गैरत जाग गई है, अब भाई कमाएगा और हम दोनों को खिलाएगा। सच? फाइनली नंदू। नहीं चंदू, तुम चाहो तो दूसरा जॉब कर सकती हो, लेकिन ये जॉब छोड़ दो बस। अच्छा इतनी सारी सैलरी मिल रही है उसका क्या? चंदू तुम्हारी सैलरी मेरे प्यार से बड़ी है क्या? हाँ। ओके ये सब छोड़ो, बॉस से थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा, कल क्या होगा पता नहीं। चानी यार एक बार आना प्लीज। जी सर। हाय चानी आइए। सर आ तो गई हूँ और कितना आऊँ? I mean, बैठिए प्लीज। अच्छा थैंक यू सर। मैं आज आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। सर कुछ तो आपने कह दिया। नहीं वो वाला कुछ नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। कुछ और भी तो आपने बोल दिया सर। नहीं आप समझ नहीं रही हैं, ये मेरी जिंदगी का मामला है। ये तो लैपटॉप है सर, आपकी जिंदगी का मामला कैसे हो सकता है? आपको किसी ने गलत बताया है। अरे नहीं आपको कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है सर। क्या पता है? यही कि ये लैपटॉप है। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? अरे नहीं वो तो मैं बाद में करूँगा। सर जो आता है ना वो कर देना चाहिए, बाद में पेट में दर्द होता है। अरे लगता है मुझे बोलना ही पड़ता है। सर कब से तो आप ही बोल रहे हैं। अरे पर मैं वो नहीं बोल पा रहा हूँ जो मुझे बोलना है। क्या बोलना है? मैं वो रिश्ते के लिए तुम्हारी मम्मी डैडी से मिलना चाहता हूँ। रिश्ते के लिए? पर मेरी तो मम्मी डैडी की शादी हो चुकी है, वो भी एक दूसरे के साथ। अरे जानी मैं हमारे रिश्ते के लिए तुम्हारी मम्मी डैडी से बात करना चाहता हूँ। हमारा रिश्ता? कौन सा रिश्ता? जानी अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चांदनी तुम अपने मम्मी डैडी से मुझे मिलवाओगी ना? चांदनी चंदू। खामोशियां बेचैनियां ना दानियां।